मेरा सर्वे करो, मैं रुक जाएगा। मारा हड़प की ओर कर रही ले जमीन, 14 एकड़ जमीन कम होता है क्या? वो उपायुक्त का जमीन है क्या? ये अधिकारी का जमीन होता है क्या? मैं क्या मारने का इरादा है, मारू ना फिर। उधर जाएगा तो ये ऑफिसर उधर भागता है, वो ऑफिसर उधर भागता है। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त मैं जो है दीवा के डंपिंग ग्राउंड में आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो संदीप भोईर है जो दावे कर रहे हैं, जिनके नाम पेपर वगैरह सारा कुछ है इनके परिवार का, जो पिछले कई वर्षों से इस डंपिंग ग्राउंड को बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई बार इन्होंने लेटर मेमोरेंडम दिया, कई बार इन्हें आश्वासन मिला, फिर उसके बाद जो है ये डंपिंग ग्राउंड जस के तस है, और जैसा चल रहा था पहले वैसे चल रहा है अब। हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, आज उन्होंने जो है डंपिंग ग्राउंड को बंद कराया है, आंदोलन कर रहे थे, हम उन्हीं से जानते हैं। संदीप भाई, क्या कहेंगे आप, जो है लगातार आप आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, और प्रशासन किस तरह से जागना चाहिए और वो जाग नहीं रही है? प्रशासन अभी कुछ, प्रशासन का बंद करने का इरादा है ही नहीं, उनको मेरे को मारने का इरादा है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, आज मेरे को पुलिस उठाने आई थी, आज मेरे को कितना दिन से आश्वासन दे रहे ले, वो लिख के दे रहे ले मेरे को, सर्वे करने का तारीख दे रहे ले, वो बता रहे अब सर्वे कर रहे नहीं है। मैं जो बार बार जाता है उधर, बार बार जाने के बाद मेरे को बिठाया जाता है, साहब कार्रवाई को गए ले है, साहब गांव गए ले है, साहब 2 दिन में आएंगे, साहब 4 दिन में आएंगे, 8-8 घंटा भी बैठ चुका मैं उधर, महासभा चालू रहने के बाद भी 10-10 साढ़े 10 बजे मिल गए ले रात को मैं, महासभा ख़त्म होने के बाद खाली आश्वासन दिया भाई, मेरे को आप मुझे ये बताइए कि जो है महासभा में भी इसे जो है मतलब पास किया गया, वहाँ पे ये बताया गया, इसके लिए विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और नगर सेवकों ने भीड़ कर जो है वहाँ पे जो है महासभा में बात की और चर्चा की। सर मैं क्या हो रहेगा, मैं इनसे कोई पैसे का मांग नहीं किया है, कुछ नहीं किया, मैं खाली एक रिक्वेस्ट किया है, मेरे जमीन का सर्वे करो, तुम्हारे तरीके से करो, तुम्हारे नाम से करो, कुछ करो, मेरे ज़मीन में सर्वे करो। और खुद उन लोगों ने अगला आंदोलन में मेरे को आश्वासन दिया, क्या तुम लोग का ज़मीन का सर्वे होएगा, वो तुम्हारा ज़मीन निकला। तुम्हारी लड़ाई किस बात की, पहले ये मुझे बताइए। मेरी लड़ाई है, ये मेरे जगह में मेरा खेती, मेरा मच्छी मारने का जो धंधा था वो मेरा कितना साल से बंद है, हमें कुछ कमा ना पा रहे लाए, मैं गरीब है, शेतकड़ी हूँ, मेरे को दबाए जा रहे ला इन लोग का, ये अनलीगली डंपिंग कर रहे ले, ये डंपिंग का कोई एग्रीमेंट नहीं किए ले, कुछ सर्वे नहीं किए ले, ये डाल रहे, आप खुद देखो इधर कितने लोग रह ले, इनका क्या हो रहे ले, आप खुद उधर खड़े हो डंपिंग पे, कितना स्मेल आ रहा है, कितना ये आ रहे मच्छर है, मक्खी है, कितना त्रास हो रहा है, आप खुद खड़ा हो, आपको भी लगन समझ रहे ले, उन लोग को आके इधर खड़ा होने को बोलो, 10 मिनट रुकने को बोलो, आके आ रहे नहीं है, अगले बार आए मिले, आश्वासन दिया, बाद में हम लोग गए, हम लोग को बोला ऑफिस में आओ, तुमको पूरा कर दिया जाएगा, तुम लोग को दिया आश्वासन एक पहला दिया तो इस जगह का सर्वे होएगा, और तुम लोग सर्वे नंबर तुम लोग का निकल गया तो तुम लोग का इतना साल का जो है मुबदला सीटी का और उस मच्छी का जो तुम लोग का नुकसान हुआ फैमिली का उसका भुगतान दिया जाएगा। कितने सालों से यहाँ डंपिंग ये हमारे मैं हम और हम, अभी जिस हिसाब से बात किया जाए तो महासभा में जो पास हुआ है वो 5 तारीख को यहाँ पे डंपिंग करना बंद कर देंगे, वो तो आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे? 5 क्यों करूँ, मेरा सर्वे करो, मैं रुक जाएगा, सर्वे करने को तैयार नहीं है, वो ध्यान देने को तैयार नहीं, सर्वे करने को तैयार है अशोक उपायुक्त अशोक बुरकुले साहब, सर्वे करने को रेडी नहीं है। अच्छा, करना मांगता ना सर्वे, करो ना तुम, आप आओ सामने आओ, सर्वे करो, खड़ा रहेंगे हम लोग, आप खड़े रहो, सर्वे करो, मुकलो जाओ। कितनी जगह निकलती है यहाँ पर, जैसा बताया जा रहा है कई लोगों का है, तो यहाँ पे मतलब आपकी कितना निकल रही है? हमारा 14 एकड़ जमीन है। अच्छा, हाँ, हमारा 14 एकड़ जमीन है, हम लोग का एक ही मुद्दा है, क्या आपको क्यों नहीं बुरा लग रहा है, क्या आप हमारा हड़प की ओर कर रही ले जमीन, 14 एकड़ जमीन कम होता है क्या? 14 एकड़ का हमारा नहीं है, आप मानने कर रहे तो किसका है, तो उसका एग्रीमेंट दिखाओ ना, हम लोग को एग्रीमेंट दिखाओ ना, जैसे महापौर ने भंडार लेके एग्रीमेंट दिखाया वैसा महापौर को उपायुक्त को ऐसा इधर का एग्रीमेंट दिखाओ,
हम लोग कब्जो है जमीन, इतना सालों से हम लोग जमीन कर कहिए कर रहे ले, उसमें खेती कर रहे ले, हम खेती का नुकसान हुआ छोड़ते हैं। साल से यहाँ पे डंपिंग, कई सालों से डंपिंग किया जा रहा है, आप लोगों को मतलब जैसा भाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा हम लोगों का एक नहीं, जैसा अभी डंपिंग ग्राउंड जो है भंडारली में जो दिया जा रहा है वहाँ पे तो पहले तय हो गया था, अभी तय हुआ होगा उधर तय हो गया, 10 एकड़ में 20 लाख रुपया यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, हम लोग को पूछ रहे नहीं, हम लोग का नाम ही नहीं, खुद ही बोल रहा है अभी अगला मीटिंग में उसके इधर क्या बोलता है, मेरा कब्जा जमीन है, वो उपायुक्त का जमीन है, क्या ये उपायुक्त का जमीन है? हाँ मेरे दादा के जमाने से जमीन है ये, उसका कैसा होएगा? अधिकारी का जमीन होता है क्या? हाँ अधिकारी का जमीन होता है क्या? क्या बोला अपने को क्या मेरा कब्जा है 15 साल से, इसका कब्जा है तो उसका एग्रीमेंट दिखाओ, उसका कब्जा है तो उसने एग्रीमेंट किया रहेगा नगर पालिका से महापौर से किया रहेगा, वो तो दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रहे 14 एकड़ का एग्रीमेंट क्यों नहीं दिखा रहे ले? दिखाना मांगता है ना, ये आने के लिए क्यों कर रहे हैं? हम लोग गरीब है इसीलिए दबाए जा रहे हैं। तो सर्वे तो आप भी कर सकते हो अपने अपने तरह से, आप भी सर्वे कर सकते हो, अधिकारी पे ही क्यों रुके हो? हमारे जमीन में वो लोग कब्जा किया है ना अभी। अच्छा हाँ हमारे भी नुकसान वो लोग किया है ना, तो वो लोग करना मांगता है ना, आपको कैसा लगता है आपको कौन करना मांगते है? उन लोग ने क्यों दिया जिम्मेदारी क्यों लिया करने का? हम लोग भी करते हैं, उन्होंने क्या दिया? उन लोगों ने लेटर दिया नगर, इन लोगों ने लेटर दिया, आप पढ़ो क्या ये सर्वे नंबर का हम लोग को ये करके दो, उन लोगों ने लेटर में रिटर्न दिया उनको क्या दिया, क्या इनको 63,000 भरो और सर्वे करता हम लोग, अभी इन लोग 63,000 आप भरने को तैयार है? हम लोग भरने को तैयार है, हम लोग लेके भी गया था पैसा। हाँ, फिर क्या तो बोला हम लोग भी भरते, तुम लोग भरो चेक, भर चेक देंगे, ड्रोन सर्वे हो गया है, ड्रोन सर्वे हो गया है, कभी ड्रोन होएगा अभी ये वो TL के जाएगा, ऐसा ऐसा आश्वासन दिए, अभी आप भी सोचो कितना दिन से आश्वासन दिए ले, कैसे रुके हम लोग? आपने अभी 5 तारीख से ये लोग आश्वासन दिए बंद होने के बाद, ये देख रहे बंद 5 तारीख को लेके जाने के बाद हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा उनको, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है 5 तारीख को बंद होने वाला था, उसके पहले ही आप बंद करा रहे हैं। हाँ बंद हम लोग को 10 तारीख दिया था। अच्छा आप लोग को हम लोग को 10 तारीख दिया था, इसलिए अर्जेंट में वो लोग तारीख बढ़ाए उधर। अच्छा उधर हम लोग को आश्वासन पहले दिया गया 10 दिसंबर को बंद करेंगे हम लोग, और आपका जैसे पहले सर्वे करेंगे इससे पहले, फिर भी हम लोग गए 3 महीना घूम रहे, अभी सोचो कौन सा तारीख को अपन आंदोलन किया था, 24/9 को आंदोलन किया था अपन, अभी 24/12 है, 3 महीना हो गया, आज 3 महीना कंप्लीट हो गया, अभी इतना 3 महीने से क्या इतना टाइम लगता है कि अधिकारी को पावर यूज करने के लिए सर्वे के लिए, इनसे एक फोन से सर्वे होएगा। अच्छा हाँ तो नहीं नहीं कर रहे है तो किसका लिया उसका सर्वे करो ना, मतलब वो मान रहे ये जमीन हमारा ही है, फिर क्यों नाटक कर रहे ले? ये लेटर क्यों दिया फिर, ये लेटर क्यों दिया? ए, मान रहे है ना हमारा है, फिर क्यों दे रहे? और उधर जाने के बाद हम लोग को टाइट दिया जाता है। अच्छा हाँ वही बोला जाता है हम लोग कहे इतना साल नहीं आया, इतना साल नहीं आया, मैं क्या मारने का इरादा है मारू ना फिर? हम लोग को बोला जाता है इतना साल नहीं आया, अरे अभी आ रहा हो अभी रीजन देना उसका, अभी आ रहा आपके अभी का रीजन दो ना। लेकिन ये बात तो सही है कि जिस वक्त जो है ये डंपिंग किया जा रहा था उस टाइम पर आप जो है विरोध करना चाहिए था आपको, क्योंकि जो किया जो था ना, अभी जैसा था। अभी जैसा जो भंडारली में दिया जा रहा है समझो भाड़ा भाड़े के तौर पर 10 एकड़ में, तो ठीक इसी तरह से आपको भी मिलता उस टाइम अगर आप विरोध कर। बोलू क्या मैं आपको, अभी बताता हूँ, पहले विरोध किया उस ध्यान नहीं दिया, पहले भी अर्जी किया ध्यान नहीं दिया, अभी 6 महीने से अर्जी कर रहा है, अब यही बोला है हम लोग को जाता है वही आश्वासन देता है रुको हो जाएगा, अभी उनको क्या मालूम है क्या पहले से आदत पड़ गया उनको फुकट का यूज़ करने का, इधर फुकट का यूज़ करने का, और हमारा ज़मीन का पूरा विलेवाट लगा दिया उन्होंने, कुछ रखा नहीं हम लोग को यूज़ करने के, अभी उनको देना पड़ेगा ना इसीलिए वो भाग रहे ले, उधर जाएगा तो ये ऑफिसर उधर भागता है, वो ऑफिसर उधर भागता है, आश्वासन दे। मान लीजिए 5 तारीख को बोला गया है कि ये डंपिंग बंद हो, हम लोग को नहीं बोला गया, हम लोग को नहीं बोला गया, वो हमारे पास है डिक्लेयर ना, अभी दीवा के पेपर दीवा में कितने साल से पेपर में वही डाल रहे ले लोग, डंपिंग बंद हो जाएगा, डंप बंद हो जाएगा, वही सुन रहे आप भी सुन रहे, आपको भी सब पता है। मेरा कहने का मतलब आज आज जैसे आप मेरे सपोर्ट में इधर आए, मैं यही मानूंगा आप आए, आपको बुलाया नहीं लेकिन खुद पहुंच गए, अच्छी बात है, ऐसा आप पहले आते थे हम मेरा काम होता था, अभी भी आप आने के बाद भी 3 महीना हुआ तो आप भी उससे जवाब पूछ सकते हैं,
हम लोग आंदोलन करके अगला आंदोलन में आप भी थे। मैं कह रहा हूँ कि 5 तारीख को अगर डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं होती है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम लोग का आश्वासन दिया ही नहीं ना 5 तारीख का। हम लोग इसलिए बोल रहे, हम लोग को 10 तारीख का दिया था। हम लोग को 10 तारीख का दिया दिसंबर का। कोई लिखित में दिए है? कौन लिखित में है? क्या लिखित में यही दिया ना, सर्वे करके देता है। ये लिखित में दिया, ये क्यों नहीं करके दे रहे ले? अच्छा सर्वे में ये करके दिया है ना, ये दे रहे हैं तो हम लोग को इसको दिखाना मांगता है ना। ये दिया है ना नगर पालिका में, ये क्या झूठा है क्या, फंसाने के दिया है क्या? एक बात और बताइए संदीप भाई, अब आपकी मांग क्या है? मेरी एक ही मांग है, मेरी जगह का सर्वे करो और सबको दिखा दे मेरा जमीन निकलता है कि नहीं निकलता है। मेरा एक ही ऑप्शन है, मेरा जगह ने मेरा जगह निकलता है, मेरा जगह का जो जो रहेगा हम लोग का नुकसान हुआ भरपाई देने का। जो अगला टाइम आश्वासन दिया था वही आश्वासन पूरा करो बस। वही देख रहे हैं आप, पावर यूज कर रहे हैं आप, देखे रहे डंडा लेके पुलिस आई लिए। हम लोग का एक ही मांग है, सर्वे लगाओ, डंपिंग ग्राउंड बंद करो। नई उपाय सुनता तो महापौर सुनना मांगता है, महापौर ने बंद करना मांगता है, सर्वे लगाना मांगता है। तो मेरी ये प्रशासन से विनती है कि मत दो खोटे आश्वासन, मत दो ये खोटे आश्वासन, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लो। खाली डेट डेट देने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम में अभी ऐसे अरेस्ट करना चाहते तो मैं जेल जेल में भी जेल भरो आंदोलन भी करूँगा। अच्छा हाँ, मैं वो भी इसके लिए भी तैयार हो, किसके लिए भी तैयार है, ये चाहते है तो वो भी करो और मारना चाहते तो वो भी मार के दिखाओ, मारो। तो हम लोग गरीब है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उनको मालूम पड़ गया है, इसीलिए तो इतना हम लोग को सताया जा रहा है, आश्वासन दे रहे हैं। क्या हो रहा हूँ, महानगर पालिका से भाड़ा तो मिलता होगा? हम लोग दिखाओ ना, हम लोग को भाड़ा मिलता है तो किसको मिलता है आपको, आप बताओ। वही उपायुक्त को प्रशासन को ही मालूम रहेगा ना किसको मिलता है, किसका एग्रीमेंट वो दिखाओ। वैसा यहाँ पर भी तो एग्रीमेंट तो दिखाओ ना किसका है। तो ये तो वही मांग कर रहा है कि एग्रीमेंट दिखाओ ना, जैसा उधर का एग्रीमेंट दिखाया जाता है 10 एकड़ का, ऐसा 14 एकड़ का एग्रीमेंट किया रहेगा किससे, वो तो दिखाओ। प्रशासन इतना क्या बुद्धू है क्या, क्या टेबल के नीचे से पैसा देता रहेगा पब्लिक को? बराबर देता रहेगा। अभी उसने जाहिर ही किया ना कितना कितना मीटर का पैसा मिलता है, जारी किया है ना उधर, तो ऐसा इधर का जारी क्यों नहीं कर रहे? कोई तो रहेगा, लिखित रहेगा ना, किसको देते रहेंगे। तो ये थे संदीप भोईर साहब जो है, जो जगह के मालक हैं, फिलहाल इनके परिवार में हैं वो जगह के मालक, लेकिन इस लड़ाई में ये संदीप भोईर लड़ रहे हैं और उनके सहयोगी लोग हैं ये, और इन्हें कोई बुलाया नहीं गया था, किसी ने बुलाया नहीं। बहरहाल ये आसपास के लोग हैं और ये लोग जो है एक साथ यहाँ जमा हो गए। बहरहाल आपको मैं ये तस्वीर ज़रूर दिखाऊँगा कि ये कचरा डंपिंग से लग कर 2500 झोपड़े हैं, ये जो है 2500 झोपड़े, कहीं ना कहीं कोरोना का काल भी चल रहा है और इन लोग के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और ये संदीप भोईर का कहना है कि ये जो डंपिंग यहाँ पे कई सालों से किया जा रहा है उसे बंद किया जाए, और कई बार आश्वासन दिया गया, कई बार जो है अधिकारियों के जो है पत्र व्यवहार हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है। 5 तारीख को बंद हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इनका कहना है कि हमें 10 तारीख को ही बताया गया था। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।